गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो आज फ्रेंड्स मैं आया हूँ देहरादून में। आज फ्रेंड्स आपको मैं लेके जाऊंगा देहरादून जू में, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स। एंड आज बहुत ही मजा आने वाला है, तो बिना स्किप करे देखते रहिए पूरा वीडियो, बने रहिए मेरे व्लॉग में। चलते हैं अभी अपने देहरादून जू की ओर। तो अभी गाइस हम बस पे बैठ चुके हैं, साथ में मेरे जा रहा है अन्नो। तो अभी आपको लेके चल रहे हैं जू की तरफ, ले आपसे जू पहुंच गए। तो गाइस हम देहरादून जू पहुंच गए हैं। एंड यहाँ तक का हमारा जो सफ़र रहा है वो उसमें लग गए 3 घंटे और किराया लगा एक जने का 40 रुपये। अभी देहरादून जू के बाहर खड़े हैं हम, तो अभी अंदर जाते हैं तो आपको अंदर जाके दिखाएंगे। ऐसा भी है, ये है देहरादून जू की पार्किंग, जहाँ पे चार्जेस है 15 रुपीज पर 2-व्हीलर व्हीकल एंड 40 रुपीज फॉर 4-व्हीलर व्हीकल। तो अभी अंदर तो एंट्री कर लिए पार्किंग की जगह पे, अभी और अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं जू के अंदर की, उसके बाद चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे, टिकट लेते हैं और चार्जेस बताते हैं आपको कितने हैं। हमारे पीछे है टिकट काउंटर, अभी चलते हैं। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, इंडिविजुअल पर्सन के चार्जेस जो है 30 रुपीज एंड फॉर चाइल्ड 10 रुपीज। एंट्री करते हैं और यहाँ पे अभी चेकिंग पोस्ट है, चेक करवाते हैं, टिकट दिखाते हैं और फिर चलते हैं अंदर। यहाँ पे बच्चों के लिए भी फन पार्क है, झूले लगे हुए हैं। हमारा कोई काम नहीं है, हम सीधा जू के अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि 5 बजे तक ये बंद हो जाता है और अभी टाइम हो गया है 3:15। तो लेट नहीं करते और सीधा अंदर चलते हैं। और यहाँ पे है बर्ड्स एडवेंचर, क्रोकोडाइल, स्नेक, एक्वेरियम एंड लियोपार्ड, सारे यहाँ पे जानवर है, एडवेंचर है। तो चलते हैं अभी अंदर। फ्रेंड्स एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ पे आप घूमने के साथ, एंजॉयमेंट के साथ एडवेंचर भी कर सकते हैं। जिसको शौक है वो आ सकते हैं, राजपुर रोड। फ्रेंड्स हम इतनी दूर अभी नीचे पैदल आ चुके हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा दिखा नहीं जानवर जो हम अच्छे से देख सके और आपको दिखा सके। बस चले जा रहे हैं नीचे की ओर और बस यहाँ पे अभी एक ऑस्ट्रिच आए हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ये है मेरे पीछे, पता नहीं कौन सी मुर्गी है, सफ़ेद कलर की आ गई वो पेड़ के पीछे। तो अभी चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं देहरादून का जू, जो कि हम इतने लंबे सफ़र तय करने के बाद पहुँचे हैं। 3 घंटे तो बस वाले लगा दिए हैं पहुँचाते पहुँचाते। यहाँ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को अभी देखने को, और पीछे पता नहीं कौन सी चिड़िया है। यहाँ पे है आलसी मगरमच्छ, एक तो वो सामने ठहर रहा है पानी में, ये रहा, और एक वो सामने बैठा हुआ है एकदम, आप देख सकते हैं वो पाइप के पास खेल रहा है, पानी पी रहा है। ये भी फ्रेंड्स आलसी मगरमच्छ, धूप नहीं है, पानी के बाहर सोते रह रहे हैं। पिछली बार आया तब भी सो रहे थे, इस बार भी सो रहे हैं। ये है फ्रेंड्स टोटेस, छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, और सामने वाला तो धीरे धीरे चल ही रहा है। वैसे गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं का द स्नेक हाउस में, अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे सांप। और ये हमारा चड्डी बड्डी मोंगली, मोंगली
गाइस ये है छोटू सा स्नेक। तो अभी आपने देखा स्नेक छोटू सा हमारा, अब आया दूसरे स्नेक की तरफ, दूसरा स्नेक दिखाते हैं आपको। तो हमारे इस वाले केव में था अभी, लिखा तो है सांप लेकिन दिखे मगरमच्छ छोटे बच्चे, ये छोटे मगरमच्छ के बच्चे, और लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन सेंस बोआ बोआ। अभी असली चीज़ दिखी है जो है किंग कोबरा, सांपों का बाप, काला सा है, बहुत बड़ा सा है। अभी यहाँ पे पीछे भीड़ लगी है उसको देखने के लिए, भीड़ हटती है तो आपको दिखाएगी अच्छे से क्लियरिटी के साथ। तो चलते हैं अभी जगह में आते हैं भीड़ में जाके। ये है किंग कोबरा। ये है रशियन वाइपर और सामने दो तीन है, तीन है सांप, एक तो चल रहा है, ये तो दिखा है। तो अभी जितना भी था सांपों का घर का माहौल आपको सबको दिखा दिया, अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं एक्वेरियम, अगर जाने की इच्छा होगी तो चले जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अभी हम आ गए स्नेक हाउस के बाहर, मोगली दिख रहा है पीछे, बाय बाय मोगली। गाइस अभी हमें चलते चलते दिख गया एक उल्लू जो कि अभी पीछे बैठा हुआ है लकड़ी की डाल पे, ये फौज दे रहा है पूरे पूरे, आके खोल के अबे सो जा, सोता नहीं है तू पूरे दिन भर। ये है रंग बिरंगे कागजों के पेड़ के नीचे बैठने की जगह। गाइस अभी दिखी हमें छोटी सी बिल्ली, ये पीछे बैठी है, शर्मा रही है, हिलने का नाम नहीं ले रही। लियोपार्ड चीता, आपको जो भी पता हो मेरे को कमेंट में बता सकते हो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या है, चीता है या लियोपार्ड है। यहीं पे हमें दिखे हिरन, ये ऊपर से हमारे निकला था अभी और एकदम डरा दिया इन्हें आके। आया है यहाँ पे स्टैचू के पास जहाँ पे एक ड्रम बजा रहा है, दो नाच रहे हैं और एक पुंगी बजा रहा है। पे बच्चों की चल रही है मस्ती, फुल ऑन एंजॉयमेंट। तो गाइस हमने पूरा एक्सप्लोर किया अपना जू, एंड आपको अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना आपको कैसा लगा व्लॉग, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना गाइस। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्द। अभी हम जा रहे हैं घर, आपको दोस्त भी खड़ी है, बस बैठते हैं चलते हैं।